अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैश लाइट गन। तो ये यार एक सीक्रेट लोकेशन की जगह ही बता रहा हूँ, यानी फ्लैश लाइट गन आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो वही आपको बताने वाला, आपको कहाँ मिलने वाली है, कैसे उसको चलाया जाता है, सारा कुछ आज आपको बताऊँगा। मगर यार इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार वो कर लो, प्लीज़ कर लो यार। इतनी मुश्किल से मैंने फ्लैश लाइट गन ढूंढी, बहुत रिसर्च किए और अब जाके यार मुझे मिल गया। तो यार आपको जो है ना, मैं आपको बताता हूँ आपको फ्लैश लाइट गन कहाँ मिलेगी, उसको टर्न ऑफ लाइट कैसे किया जाती है, ठीक है। वो अपने गन्स के साथ, किसी भी गन के साथ लगा सकते हो। तो ये कोई यानी बात नहीं है कि आप किसी भी गन के साथ नहीं लगा सकते, हर गन के साथ लगा सकते हैं। तो यार वीडियो को भी शुरू करते हैं बिना टाइम ज़्यादा किए। तो यार मैंने जो है उसी जिधर जाना ना, वो एक गन वाली शॉप है, ठीक है। मैं यहाँ से अपना मैप ऑन करता हूँ, तो यहाँ से मुझे सिंपली यहाँ से गन वाली जो शॉप है उधर जो है मार्क करना है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सो इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती थी। यहाँ पे आपको गन शॉप कहीं नज़दीक में नज़र आ रही है तो अच्छी है। तो बात तो फिर मुझे तो यार यहाँ पर नज़र आ चुकी है। तो देखो ये ऐस वाली जगह के साथ ही मुझे कुछ पिस्टल बनी हुई नज़र आई, तो मुझे इसी शॉप पर जाना है, फिर बिना टाइम ज़ाया किए। तो अभी यार जल्दी से शॉप पर जाते हैं। और यार मैं आपको जिससे बोला कि फ्लैश लाइट गन आपको मिलेगी तो वो यहीं पर मिलने वाली है। तो अभी यार जल्दी देर मार्क करते हैं। और आपको भी यार जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने अभी यहाँ पर आ लेना है। सो अभी जो है मैं इसी शॉप की तरफ निकल पड़ता हूँ, तो सो यार मैं स्किप करके गन शॉप के पास मिलता हूँ आपको, सो ठीक है यहाँ से। तो अभी जो दोस्तों ये सामने आ चुकी है गन शॉप, और यार यहाँ पर हम रोकेंगे। तो अभी यार ये मैंने यहाँ पर रोकी, और ये देखो सामने शॉप है। तो अभी हमें इसके जो है अंदर जाना है, तो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या आपको गन लेनी है, कौन सी। तो आप पूरा समझूँगा यार, कोई फेक नहीं बना रहा, मैं आपको पूरा सही सही दिखा रहा हूँ। तो यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अभी जिस तरह हम अपने जो है गन शॉप में आ चुके हैं, सामने एक आदमी खड़ा, तो इसी से हमने जो है लेनी है गन। तो अगर आपने गन परचेज़ की वीडियो नहीं देखी तो यार मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो काफ़ी वीडियोज़ हैं चिक्के से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, तो उसमें काफ़ी वीडियोज़ आती हैं मेरी। तो फिर अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो आपको मिलने वाली है। सो अभी जो हम जल्दी से गन पर जाते हैं, और मुझे कह रहे हैं गन लेनी है, तो मैंने कहा मैंने लेनी है। तो ये देखो वेपन्स को कहते हैं गन। सो यार यहाँ से मैं थोड़ा इस तरफ जाता हूँ, इस काउंटर पर जाना है, मैं दूसरे काउंटर पर नहीं जाना। तो ये मैंने इधर नीचे जिधर एक बटन है इसको दबाया, तो मुझे यार इधर जो है गन्स दिखने, तो मुझे पता कौन सी गन लेना है आपको। तो यार यहाँ से गन लेनी है मैंने जो है ऊपर, एक कोई से भी गन ले सकते हैं, मगर उसके साथ फ्लैश लाइट की प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मुझे कौन सी अवेलेबल दिख रही है गन, ये गन अवेलेबल दिख रही है, ठीक है ये वाली। और यहाँ से इसको यार परचेज़ कर लेते हैं, वन 1100 कितनी प्राइस इसकी नहीं समझ आ रही। तो यार यहाँ से इसको कर लेते हैं ए दबा के परचेज़। तो अभी जो है ये बताएंगे परचेज़ सक्सेस परचेज़ हो गया। अभी यार यहाँ पे आपको नीचे पढ़ना है, तो यार यहाँ पर ना थर्ड फोर्थ नंबर पे आ रही है फ्लैश लाइट। मैं आपको यार दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो फ्लैश लाइट कुछ लिखा हुआ आ रहा है, स्कोप के ऊपर आपको नज़र आएगा फ्लैश लाइट, ठीक है। अभी यार सिंपली जल्दी से इस फ्लैश लाइट को जो है ना इस पे जाना है हमें, और यार इसको यहाँ से कर लेना परचेज़। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह कुछ यार परचेज़ हो जाएंगे, देखना यार मैंने बाय किया। और यार यहाँ से जैसे ही मैंने बाय की तो अभी परचेज़ हो चुकी है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर गन आ गई तो ये परचेज हो गई है, ठीक है। अभी मैंने गन इस गन के पीछे जो है ना नीचे करके मैंने जो है फ्लैश लाइट लगा लिया। अभी यार यहाँ से बैक करते हैं जल्दी से, और यार शॉप से बाहर निकल के यार मैं आपको एक जगह पर दिखाऊँगा चलाकर जो है। तो अभी यार जल्दी से हमने लगा ली गन पे जो है पिस्टल, तो ठीक है। अभी यार लगाने के बाद यहाँ से मैं दबाता हूँ, तो अभी यार यहाँ से जो है मैंने जो गन परचेज़ की थी यार वो भी निकाल लेते हैं यहाँ से जल्दी से। और यार मैंने ये कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं दिखाना, यानी इधर ऐसी जगह पे नहीं दिखाना, ये मैंने आपको कोई ऐसी जगह दिखानी जहाँ पे रोशनी ना हो। तो यार मैंने उसकी भी जगह ऑलरेडी ढूंढ रखी है, तो पहले तो यार ये गन ले लेते हैं, फिर यार आपको आगे दिखाएंगे बिना प्रॉब्लम बिना टाइम जाए कि। पहले तो निकलते हैं शॉप से बाहर, तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप किसी भी गन के पीछे लगा सकते हैं, बस आपको फ्लैश लाइट पढ़ना है, शायद आपने कभी पढ़ा ना हो। तो यार मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई थी, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से बाहर निकलते हैं, और यार यहाँ से मैं अभी जो बाइक लेके मैं आपको ऐसी लोकेशन तो मैंने आपको बताई थी जिधर से यार
जो है मैं अपनी जो है ये मेरे गन ले ली अपनी। तो यहाँ से पहले तो बाइक लेकर जो है ना जिधर अंधेरा और रोशनी ना हो उस जगह पर चले जाते। तो यार मैंने वो जगह ढूंढ रखी थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी यार ढूंढी, तो मुझे यार एक जगह मिल गई जहाँ पर यार फ्लैश लाइट हम अपनी जला कर देख सकते। तो वो यार है ब्रिज के नीचे वाली जगह, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो यार वहाँ पर रोशनी नहीं होती, अगर नहीं अगर शाम के टाइम कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो ये उसके लिए बहुत यार ज़रूरत के लिए होती। तो यार मैंने यहाँ पर जिस तरह खड़ी की, और यार अभी यार लाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता ही है ना। तो अभी मेरी गन मेरी निकली है, ठीक है, यहाँ से मैं आऊँगा इधर कीबोर्ड निकालूंगा और यार ई नहीं दबाना, ठीक है। यहाँ से पहले तो आपको यार LT दबा के अपना निशाना बनाना, ठीक है, तब मैं आपको समझा रहा ना। पहले तो यार आपको निशाना बनाना है, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। इसी से आपको यार निशाना बनाना है, मैंने आपको LT बताया ना, तो आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यार जल्दी से दबाते हैं LT। तो यार ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। LT दबाने के बाद आपको यार जल्दी से डायरेक्टली कीबोर्ड पर जाना है, जैसे भी जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ई प्रेस करना है, अपना ई होगा ना बटन, इसको प्रेस करना है, ठीक है यार। तो ये मैंने प्रेस किया, तो आप देख सकते हो मेरे टॉर्च ऑन हो चुकी है, ठीक है। बस आपको ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यार जो ऑन हो चुकी है। अब मैं यार LT दबाऊँ फिर भी यार मुझे रोशनी नज़र आ पड़ेगी, यानी ये नहीं है कि अगर अभी फिर ऑफ़ करनी है ना तो फिर कीबोर्ड पर जाना है, ठीक है। फिर कीबोर्ड पर जाएंगे और यार फिर कीबोर्ड पर जाने का फिर ई दबाऊंगा, देख लो ये अभी ऑफ हो जाएगी, देख लो फिर ऑफ हो गया। मैं फिर ई दबाऊंगा फिर ये ऑन हो जाएगी, तो मैं आपको ऑन करके दिखाया, ठीक है। अब अगर मैं देखो ऑन है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने ऑन की हुई है ना, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहीं देखो इस तरफ, ठीक है। तो मैंने जिस तरह यार LT दबाया, देखो यहाँ पर रोशनी हो जाएगी, देख लेना, ठीक है। अब यार रोशनी के बगैर मैं फिर इसी तरह करता हूँ, मैं ई दबाता हूँ, ठीक है। अभी यार जिस तरह ऑफ होती है, अभी मैं देखो वही इसी तरह निशाना बना, तो मुझे यार लाइट की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो खाली आपको ई दबाने रहना, बस ई दबा के टर्न ऑन होगी। देखो यहाँ पे मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। तो उम्मीद है मेरे भाइयों आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाऊँगा। अगर यार आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इस तरह जिस तरह यार यानी कोई लाइट ऐसी वगैरह प्रॉब्लम आती है, तो यार मुझे जो है मेरे चैनल पर यार जो है आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ यार। इसके लिए यार बहुत टाइम लगता है, आपको नहीं पता यार, अपने भाइयों के लिए जो अब मैं मुश्किल करता हूँ वो आपको नहीं पता। तो यार ठीक है यार दोस्तों, मुझे पता है मेरे भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपने भाइयों को कहता हूँ इजाज़त दीजिए, तो खुदा हाफिज़।